ह्यूंडई अपने एक मिनी एसयूवी बेयोन को ग्लोबल मार्केट में रिवील कर चुके हैं। आप इसे क्रॉसओवर भी बोल सकते हैं या मिनी एसयूवी। हालांकि इस न्यूज़ के वजह से इंडिया के मार्केट में काफ़ी बवाल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हाइप मच चुका है कि ये एसयूवी इंडिया में आने वाला है। क्या ये सच बात है, ये मिनी एसयूवी बेयोन इंडिया में आने वाला है? वेन्यू और क्रेटा की मिडिल सेगमेंट में ही लॉन्च होगा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। एक ही सेगमेंट में वेन्यू है, उसी सेगमेंट में अगर ये गाड़ी आएगा, क्या कुछ बात में सच्चाई है? क्या हिंडाई की तरफ से कुछ कंफर्मेशन है या सिर्फ और सिर्फ ऊपर में ये न्यूज चल रहा है? तो उसी को ऊपर डिटेल्स में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहले बात कर लेते हैं ह्यूंडई की ये मिनी एसयूवी बेयोन के बारे में। बात करें ये गाड़ी दिखने में थोड़ा क्रॉसओवर जैसा है। गाड़ी की ये फ्रंट लुक थोड़ा ह्यूंडई कोना के जैसे है, इंटीरियर थोड़ा आपको i20 जैसा, पीछे के लुक थोड़ा i20 जैसा मिलेगा या इंटीरियर थोड़ा आपको वेन्यू की तरह मिल सकता है। मतलब ये कुछ ऐसे ही कम्बिनेशन में एक गाड़ी बना हुआ है। अगर बात करें फीचर्स कई सारे आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म ये i20 के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी बना हुआ है। इसके डायमेंशन की बात करें, इसके लेंथ होगा 4180 mm, विड्थ की बात करें 1775 mm, हाइट की बात करें 1490 mm, व्हील बेस की बात करें 2580 mm का होने वाले। गाड़ी में आपको 411 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाले हैं। गाड़ी में आपको 16 और 17 इंच का एलॉय व्हील्स मिल जाएगा डायमंड कट वाला। ओवरऑल गाड़ी की बात करी जाए, गाड़ी दिखने में और किसी किसी लोगों को अच्छा लग सकता है या बिल्कुल ही खराब लग सकता है, ये पर्सनल चॉइस है स्टाइल के ऊपर। अगर बात करें, मुझे गाड़ी के फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बैक प्रोफाइल मुझे काफ़ी मतलब उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि कुछ कुछ लोगों को इसका बैक प्रोफाइल काफ़ी एग्रेसिव लग सकता है, ये अपने पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड है। आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर बात करें इसकी इंटीरियर की, इसके इंटीरियर पूरा बेस्ड होने वाला है नए मॉडल i20 जैसा, जैसे कि i20 जैसा आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, टस्किन वही उसी तरह कुछ मिलने वाला है, और सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेम स्टेयरिंग आपको गाड़ी में मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें, गाड़ी में LED DRL जैसे कोना के जैसे LED DRL, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का LED हेडलैम्प्स मिल जा रहे हैं। LED टेल लैम्प भी थोड़ा i20 जैसा थोड़ा अलग सा डिज़ाइन वाला आपको LED टेल लैम्प मिल रहा है। गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8-inch टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ह्यूंडई की ब्लू लिंक कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा। यानी कि मोबाइल से गाड़ी के काफ़ी सारे फीचर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी में आपको मिल जाएगा जिसमें आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। फ्रंट वेंटिलेटेड सील्स आपको गाड़ी में मिल सकता है, एम्बिएंट लाइटिंग गाड़ी में मिल सकता है, बोस का म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में मिल जाएगा, आर स्पीकर म्यूजिक सिस्टम आपको गाड़ी में मिल सकता है, गाड़ी में कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, सब बटन मिल जाएगा। सेफ्टी की बात करें, 6 एयरबैग तक मिल सकता है टॉप एंड वेरिएंट में, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हील्ड होल्ड सिस्टम आपको गाड़ी में मिल सकता है। उसके बाद चलते हैं इंजन और पावर के मामले में। बात करें ये इसकी जो ग्लोबल मॉडल है उसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आ रहा है और 1 लीटर टर्बो हाइब्रिड इंजन आ रहा है, वो पेट्रोल वाला। लेकिन इंडिया में जब ये गाड़ी आएगा, ये शायद i20 जैसा जितने सारे इंजन आपको मिल रहा है वही मिल सकता है, जिसमें जैसे कि 1.2 लीटर पेट्रोल, 82 BHP, 150 न्यूटन टॉर्क देने वाला इंजन, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको 20 km/h का माइलेज भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 118 BHP, 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा, जिसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ DCT ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहां पे डीजल इंजन भी आपको मिल सकता है, 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 99 BHP के साथ 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देगी। ये इंजन आपको 25 किलोमीटर तक का माइलेज भी दे सकता है। बात करें गाड़ी की इंडिया के आने की, तो ये ह्यूंडई की तरफ से ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और रूमर्स की बात करें तो लोग तो यही बोल रहे हैं कि ये गाड़ी वेन्यू और क्रेटा के बीच के सेगमेंट को फुलफिल करेगा, लेकिन अभी तक ह्यूंडई की हिस्ट्री में अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसकी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर दो गाड़ियां लॉन्च हो जाए। वेन्यू के साथ साथ ये गाड़ी को लॉन्च करके वेन्यू को तो किल किया नहीं जाएगा,
मतलब ये लग रहा है कि ये गाड़ी शायद इंडिया में ना आए, ये खामोखा ही एक हाइप मचा हुआ है। अगर ये गाड़ी इंडिया में आता है तो पहले ह्यूंडई इसी साल लॉन्च करने वाला है ह्यूंडई की एक मिनी एसयूवी भी, या आप बोल सकते हैं माइक्रो एसयूवी, जो कि मॉडल नंबर AX1 वाला था, वो गाड़ी पहले लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद ह्यूंडई अभी जो टीजर लॉन्च किया है अल्काज़र 7-सीटर, जो कि क्रेटा के 7-सीटर होगा, तो वो गाड़ी उसके बाद लॉन्च होगा, उसके बाद ये गाड़ी आ सकता है। अगर ये गाड़ी आए तो आते आते एंड ऑफ 2021 या अर्ली 2022 को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में। अगर ये गाड़ी इंडिया में आए तो 7 से 8 लाख से ये गाड़ी का प्राइस रेंज शुरू हो सकता है, और टॉप एंड वेरिएंट 12 से 13 लाख तक ये जा सकता है। आपको क्या लगता है, ये गाड़ी इंडिया में आना चाहिए या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।